고려할 정도. आइए, क्योंकि मुशायरा एक मुख्तलिफ रंगों का मजमुआ है। यहाँ पर आपको गजल भी सुनने को मिलेगी, क्लासिकल गजल भी सुनने को मिलेगी, जदीद गजल भी सुनने को मिलेगी, गीत और नज्म भी सुनने को मिलेगी। मुख्तलिफ रंग है मुशायरे के साथ। ये अजीब गरीब इंस्टीट्यूशन है दुनिया का। दुनिया की कोई जुबान ऐसी नहीं है जिसके पास शायरी को इस तरीके से आवाम तक पहुंचाना कोई जिम्मेदारी उसके पास इस तरह की हो, इसलिए कि दुनिया की तमाम शायरी किताबों में पढ़ी तो जाती है लेकिन इस तरह से महफिलों में सुनाई नहीं जा सकती। लिहाजा इसको बहुत बड़ी अमानत और इसको बहुत बड़ा अपना तहजीबी विरसा समझ के आप इसमें शिरकत करें, इस मुशायरे को पूरे अदबी आहंग के साथ लेकर चलें और मेरा तआवुन फरमाएं। मैं उनके बाद दरख्वास्त कर रहा हूँ एक ऐसे मोतबर नज्म निगार से जिसका ताल्लुक भी सरजमीन इंदौर से है, मेरी मुराद है जनाब यूसुफ मंसूरी से, उनसे दरख्वास्त कर तशरीफ लाएं और अपनी नज्म से इस महफिल। हजरत, नज्म का अनवान है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मुलायदा फरमाए, अर्ज करता हूँ कि कैसे कहूँ मैं लोगों, बोलूँ मैं किस जुबान से, कैसे कहूँ मैं लोगों, बोलूँ मैं किस जुबान से, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सहनी हुई है रातें पुरखौफ दिन का आलम, सहनी हुई है रातें पुरखौफ दिन का आलम, और दहशत में दो पहर है घुटता है शाम का दम, आतिश उगलती राहे कुरेजियों के मंजर, रोती हुई नजर से देखे है मैंने अक्सर, और इंसानियत ने यूसुफ खाया है जख्म गहरा, मातम जदा मिला है हर जिंदगी का चेहरा, और इकबाल ये न जाने क्या सोच कर कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हुआ। आपने देखा यूसुफ मंसूरी साहब ने जहां अपनी नज़्म का एक बंद पढ़ा तो आप उनकी शायरी के कायल तो हुए ही होंगे लेकिन मैं उनकी ज़हानत का कायल हो गया, इसलिए कि उन्होंने मकामी होने के नाते बहुत कम वक्त लिया लेकिन उन्होंने अपना नुमाया कलाम, नुमाइंदा कलाम आपके सामने पेश किया।